कार की कीमत भी कम हो और ईंधन के कई सारे विकल्प भी मौजूद रहे तो क्या कहना। हाँ, ये संभव कर दिखाया है एमिटी के छात्रों ने। आइए देखते हैं कि क्या खासियतें हैं इस नई हाइब्रिड कार में। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम ग्राहकों को सस्ते ईंधन के विकल्पों की तरफ खींच रहे हैं। ऐसे में एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने एक ऐसी कार बनाई है जो आपकी जेब के लिए काफी सस्ती पड़ सकती है। छात्रों को अब इंतजार है अपनी इस कार के मास प्रोडक्शन का, ताकि लोगों को उनकी मेहनत का लाभ मिल सके। एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स लोगों के सामने अपनी नई कार की नुमाइश कर काफी खुश है। 10 छात्रों ने एक साल तक दिन रात की मेहनत कर ये कॉन्सेप्ट कार बनाई है। अब ये चाहते हैं कि कोई कंपनी आगे आए और उनके इस कॉन्सेप्ट पर कारों की मैन्युफैक्चरिंग करे। इट कॉस्टेड अराउंड 2.75 लाख टू 3 लाख, बट इफ इट कम्स इन प्रोडक्शन इट विल बी मच लेसर देन दिस, इट विल बी अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख। क्या कोई आगे आया है ये बोलने के लिए कि चलिए हम भी इस कॉन्सेप्ट को खरीदते हैं? और इस कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपके ईंधन की टेंशन खत्म कर देगी। ये पेट्रोल के साथ बैटरी और एलपीजी गैस से भी चलती है। छात्रों के मुताबिक एक बार बैटरी चार्ज करने पर ये कार 80 से 90 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। हालांकि कार कंपनियों के मुताबिक कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले इसमें और भी कई सुधार करने होंगे। Considering that this is a first effort by students from engineering college, final year students, I think is a very good effort and good output, and it needs a lot of refinement before it can be actually adopted for a commercial production. So it's a good attempt in terms of concept and also for making a prototype. परीक्षण के दौरान दिल्ली की सड़कों पर ये कार 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। इस कॉन्सेप्ट कार को बनाने में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आया है। छात्रों का कहना है कि यदि इस कार का मास प्रोडक्शन हुआ तो कीमत करीब 2.25 लाख रुपए ही आएगी। सोनिया सिंह, दिल्ली आज तक। एमिटी के छात्र अपनी इस नई कार को लेकर काफी उत्साहित है। ये छात्र अपनी नई कार की तारीफ करते नहीं थकते। एक टीम के रूप में काम करते हुए हाइब्रिड कार तैयार करने वाले इन छात्रों से बात की हमारी संवाददाता सोनिया सिंह ने। पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि अब हाइब्रिड का जमाना है। शायद यही वजह है कि आजकल हर कॉन्सेप्ट जो कार का आ रहा है वो है हाइब्रिड का, और इसीलिए एमिटी के कुछ छात्रों ने यहाँ पर एक कार, एक कॉन्सेप्ट बनाया है और वो भी हाइब्रिड ही है। और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फ्यूल ऑप्शंस के साथ काम करेगा। हमारे साथ मौजूद है ये सभी छात्र। आइए सीधा करते हैं इन्हीं से बात। आप लोगों ने कितना टाइम लगा आपको ये सब बनाने में? पिछले एक साल से इस पे काम कर रहे हैं। पहले थ्योरेटिकल वर्क किया, फिर अपना लिटरेचर वर्क किया, डिजाइनिंग की, उसके बाद पिछले छह महीने से हम इस पे दिन रात लगे काम कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कराया, अब जाके वो तैयार हुआ है। तीन फ्यूल से कहा जाता है ये कार चलेगी, तो कौन कौन से फ्यूल्स हैं और कैसे चलेगी? स्टार्टिंग किस पर होगी कार? इंजन किस पे स्टार्ट होगा? कितना सीसी इंजन है? मैम, आप ये हमारी कार तीन फ्यूल से रन करती है। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज बैटरी, सेकंड वन इज द पेट्रोल, और तीसरा है एलपीजी। आप किसी भी फ्यूल से किसी भी टाइम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी भी चलते टाइम पे भी आप किसी भी फ्यूल से किसी भी फ्यूल पे स्विच ऑन कर सकते हैं। और मेन हमारा बैटरी मोड है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। 30 पैसा पर किलोमीटर की माइलेज देता है और एक चार्ज में अराउंड 80 टू 90 किलोमीटर रन करता है। मतलब अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हैं तो हार्डली यू रन अ व्हीकल 80 टू 90 किलोमीटर पर डे। तो उस हिसाब से अगर तब भी अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप पेट्रोल पे स्विच ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप एलपीजी पे स्विच ऑन कर सकते हैं। जी, कितना किलोमीटर इसका टेस्टिंग आप कर चुके हैं दिल्ली की अगर बात की जाए? 400 से ज्यादा किलोमीटर टेस्ट कर लिया है। दिल्ली के लगभग सारे फ्लाईओवर्स पे हम इसे चला चुके हैं, सारे एक कोने से दूसरे कोने ले जाके घूम। धक्का किस किसने मारा है? धक्का किसी ने नहीं मारा, धक्का इंजन ने लगाया है। इंजन ने धक्का लगाया और मोटर ने धक्का लगाया, हमें धक्का लगाने की जरूरत नहीं, धक्का नहीं लगाया। चलिए, और ये बताइए कि दो लोगों के बैठने की क्यों जगह है? क्या आप लोग ये सोचते हैं बस मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बैठे और कोई नहीं बैठेगा कार में? मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप 4 सीटर भी बना सकते हैं। हम अगर मोटर इसमें 48 वोल्ट की लगा दे तो इसको 4 सीटर भी कन्वर्ट किया जा सकता है।
because हमारे यहाँ 6 batteries लगी हुई है इसके अंदर because we are using 72 volt motor. If we switch over to 48 or 36 volt motor, we can make space for two more persons behind the rear part. So it will be a family car, totally family car. Batteries की जगह बनाने के कारण ही इसकी space concept हमें करनी पड़ी. जी, एक साल आपको लगा इस कार को बनाने में, क्या कोई लड़की आगे नहीं आई? उसने बोला कि मैं भी अपना दिमाग लगाती हूँ, मैं भी अपना डिजाइन बताती हूँ, मैं भी अपना कॉन्सेप्ट बताती हूँ, क्या वजह रही? यही वजह है, हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट कम होती है, कम लोग इन लड़कियों की लड़कियां नहीं होती, लड़कियां नहीं होती, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल की गर्ल्स भी उनसे कॉन्टेक्ट किया, लेकिन कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं. कॉलेज लेवल पे प्रोजेक्ट बनना तो वो उनको मार्क्स की ज्यादा चिंता होती है, इसलिए वो लोग नहीं, हम नहीं, दे आर जोकिंग, दे वोंट मेक इट एनीथिंग, दे किसी को बिलीव नहीं, किसी को बिलीव नहीं था कि हम कैपेबिलिटी पर, लेकिन हमने कर दिखाया. पहली बार हम कॉलेज लेके आए थे तो सबने सभी आके सो सरप्राइज टू लुक एट हाउ वी हैव डन एंड हाउ वी हैव मैनेज्ड टू डू ऑल दिस थिंग, बट इनिशियली नोबडी वाज बिलीविंग अस कि हम एक हाइब्रिड कार बना सकते हैं, बट वी फाइनली वी हैव प्रेजेंटेड, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी. लेकिन इतने क्या-क्या मुश्किलें आई आप लोगों को, आप बताइए. हमने चेसी में बहुत सारी मुश्किलें फेस की जब चेसी मॉडिफाई की. पहले आगे का कुछ भी नहीं था. रेवा में हमने रेवा की एग्जिस्टिंग कार की चेसी ली थी तो आगे बिल्कुल डेड एक्सल था. उसे लाइव बनाने के लिए उसमें इंजन फिटिंग किया. चेसी एक यू शेप में बार्स लगी हुई थी, उन्हें काट कर ट्रेपेज़ियम इंजन और गियरबॉक्स की माउंटिंग की. और उसके बाद हमने बैटरीज की स्पेस बनाई, बैटरीज को अकोमोडेट किया और फिर सीटिंग कैपेसिटी. कई जगह वेल्डिंग टूट जाती थी, उसको दोबारा किया. उसके डिज़ाइन में चेंजेस लाए, रोज के रोज शाम को चेंजेस होते थे, अगले दिन उन्हें इनपुट किया जाता था और फिर इस तरह हमने एक सक्सेसफुल हाइब्रिड कार बना दी. लेकिन ओपन कार ही क्यों बनाई है, इसका रूफ टॉप क्यों नहीं रखा है? एक्चुअली वी वांटेड टू गिव अ स्पोर्टी लुक, हम स्पोर्टी लुक देना चाहते थे प्लस, और क्लोज होती तो शायद इतनी अच्छी लुक्स ना आती गाड़ी पे. एंड we have three sponsors, TVS Motors, TVS Motors, JK Tires, they were the people who sponsored us, and most of them our MED Mr. Vice Chancellor, he was a Vice Chancellor, Mr. Atul sir, he was like a so much motivator for us every time, every step he motivated us. आगे क्या plan है आपका, क्या जैसे कई international concerts में भी भेजा जाता है कि चलिए अवार्ड विनिंग के लिए नॉमिनेट किया जाता है, क्या ऐसा कुछ प्रपोजल अब आपके पास आया है कि नहीं? अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, बट हमारे पास और भी प्लान्स हैं, और भी तरीके की गाड़ियां बनाना चाहते हैं. अल्टरनेट है कि एक कार तो जैसे आपकी बन चुकी है, जल्दी ही दूसरी कार भी बने. और कल्पना की उड़ान तो उन्होंने जो आगे बढ़ती है वो तो उन्होंने दिखा दी है.